हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी चैनल। आज हम जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, लेट प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मीन्स नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया और यह हर साल 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए 1 जुलाई को उनकी जयंती और पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मीन्स स्वामी विवेकानंद मेमोरियल डे कब मनाया गया? हाल ही में स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस 4 जुलाई को मनाया गया और यह हर साल 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी, इसीलिए हर साल 4 जुलाई को उनकी याद में मेमोरियल डे मीन्स स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जयपुर की चार दीवारी को शामिल किया गया है। अब बात है जयपुर की। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर की स्थापना 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? कोपा अमेरिका 2019 का खिताब ब्राजील की टीम ने पेरू को हराकर जीता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात है ब्राजील की। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल देश है। ब्राजील का राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील की राजभाषा है पुर्तगाली। ब्राजील के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो। ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीली रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब अमेरिका ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात है अमेरिका की। अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात है बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं सीके खन्ना। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में सचिव हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सहबीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है? हाल ही में मध्य प्रदेश ने सहबीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश
साकारी बीज संघ ने सह बीज नामक ब्रांड के अंतर्गत बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। अब बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार किस कंपनी ने लॉन्च किया? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हुंडई की कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हुंडई भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार कोना 9 जुलाई को लॉन्च की है। इस कार की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इस कार को एक बार चार्ज करने के बाद लगभग 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक मींस नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर शारदा कुमार होटा को नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात है राष्ट्रीय आवास बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया? हाल ही में आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अपर्णा कुमार उत्तर प्रदेश कैडर की 2002 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। अब ये 7 समिट चैलेंज है क्या? 7 समिट चैलेंज 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने के कार्य को 7 समिट चैलेंज कहा जाता है। अब ये 7 महाद्वीप हैं कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अब ये 7 समिट चैलेंज में कौन कौन से पर्वत शामिल हैं? पहला है एशिया का माउंट एवरेस्ट, दूसरा है यूरोप का एल्ब्रुस पर्वत, तीसरा है अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, चौथा है उत्तरी अमेरिका का देनाली पर्वत। और इसी पर्वत पर आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। पांचवा है दक्षिण अमेरिका का अकांकागुआ पर्वत, छठवां है ऑस्ट्रेलिया का कार्स्टेंज पिरामिड पर्वत और सातवां है अंटार्कटिका का विंसन मैसिथ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय धाविका ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 200 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हाल ही में हिमा दास ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 200 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने यह दौड़ 23.65 सेकंड में पूरी की है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला मींस फर्स्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 11 से 13 अक्टूबर 2019 के बीच में, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात को दोगुना करना तथा वैश्विक वैल्यू चेन में भारतीय किसानों तथा कृषि उत्पादों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से स्टर्म अटाका एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? भारत ने रूस से स्टर्म अटाका एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात है रूस की। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री मेदवेदेव और उसकी करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस जल संरक्षण अभियान को लॉन्च किया है?
हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस अभियान के तहत 256 जिलों में जल सुरक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल शक्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के पंच मिशन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है? नासा के पंच मिशन के लिए भारतीय वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी को सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नासा के पंच मिशन के द्वारा सूर्य की बाहरी परत के क्षेत्र के लिए चित्र लिए जाएंगे। प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक हैं और वे नासा के इस मिशन में सह अन्वेषक के रूप में कार्य करेंगे। अब बात है नासा के, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में और इसके संस्थापक हैं ड्वाइट डी आइजनहावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 6 अभ्यास किस शहर में किया गया? हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 6 अभ्यास का आयोजन फ्रांस के मोंट डी मार्सन शहर में 1 से 12 जुलाई 2019 के बीच में किया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात है फ्रांस की, फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं इडियार्डो फिलिपे और फ्रांस की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में अपस्था की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में अपस्था की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात है नागालैंड की, नागालैंड में अपस्पा को 6 महीने के लिए अर्थात दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में अपस्पा 6 राज्यों में लागू है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में। अब बात है अपस्पा की, अपस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अर्थात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था, जिसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई को निवेशी कंपनियों की समीक्षा करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई को निवेश कंपनियों की समीक्षा करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष तपन रे हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात है आरबीआई की, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलन तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिए विश्व का सबसे बड़ा संस्थान किस शहर में शुरू हुआ? हाल ही में बांग्लादेश के ढाका शहर में शेख हसीना नेशनल बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट को आरंभ किया गया। इस संस्थान का निर्माण 500 करोड़ टका की लागत से किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 किस राज्य ने लॉन्च किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने टोल फ्री चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर 1076 लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस नंबर पर राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद उसे एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा कि उसकी शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी गई है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है
उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं राम नाईक, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी सोशल नेटवर्क के थ्रू शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।